प्रणाम जी, प्रणाम संत जी, प्रणाम संत जी, बहुत संत जी बहुत प्रेम है, थोड़ा बहुत प्रेम है, तुसी बहुत सोहना काम कर रहे हो, डिवाइन डिवाइन सर्विस। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਟੱਚ ਅਨਨੋਨ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਆ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਪਿੱਪਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਓ 8 ਸਾਲ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਿਆਰ ਸੇ ਪੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਵੈਰਾ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੀ ਇਸ ਇਸ ਵੇਂ ਸੇ ਇਸ ਮੇਂ ਨਦੀ ਵਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂ ਸੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਵਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਤੇ ਹੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆਤਾ ਹੂੰ। तो जिस स्थान पर हम विराजमान हैं, हमारे संत सिंचेवाला जी, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है एनवायरनमेंट को लेकर के, जो है चारों तरफ जो जहर फैला पड़ा है हवा में, मिट्टी में, पानी में, और जो हमारी पवित्र नदियाँ वो दूषित हो रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, तमाम। आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये यहाँ पर भी ऐसा गंदा नाला जैसा बन गया था, तो इसके बारे में महाराज जी ज़रा बताना, ये है क्या जगह, क्या इसकी महिमा, क्या इसका इतिहास क्या है। जो पंजाब पांच दरियाओं की नदियों की धरती है, पंजाब पांच नदियों, हाँ। पानिया पांच पानी का जो देश है, हाँ। अब बेआब भी हो रहा है, जहराब भी हो रहा है, हाँ। दरिया भी गंदे हो रहे हैं, सतलुज दूषित हो चुका, चिट्टी बेई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये काली नदी है, इस नदी में गुरु नानक पातशाह ने डुबकी लगाकर तीसरे दिन बाहर आए, और जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का आगमन जहाँ से हुआ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त आजूनी से पंग गुर प्रसाद, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेल सगल जगत का संदेश जहां से हुआ। ये सिख इतिहास में वो महत्वपूर्ण नदी है जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के वाणी के आगमन स्थान से जानी जाती है। ये नदी भी गांव और शहरों के कूड़ा करकट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्टेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिल्कुल दूषित हो चुकी थी, पर लोगों ने जो यत्न किए, गुरु नानक पातशाह ने जो कृपा की, उसका जो रिजल्ट है कि आप देख रहे हैं कि अमृत जल, इसका जो नलके का जल है उससे भी ये तीन गुना इसका टीडीएस डाउन है। आपको दिखा सकते हैं कि जो 300 फुट से पानी आता है उसका टीडीएस 375 है, पर इसका टीडीएस 145 के दरमियान होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जी ये वो काली नदी है जिसके बारे में हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अभी बता रहे थे कि जिसको गंदा नाला बना दिया था, और जो हमारा जैसे हमारी गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी हमारी पवित्र नर्मदा, ऐसे ब्रह्मपुत्र, ऐसी ये हिंदू धर्म सिख धर्म में सबसे पवित्र नदी माने, जहाँ गुरु नानक देव जी ने तप किया और एक ओंकार का मंत्र यहीं से उन्होंने दिया, यहाँ से डुबकी लगा कर क्या फिर अगले गुरुद्वारे में दो दिन बाद निकले। खैर, उसका एक बहुत बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व है। अब ये 160 किलोमीटर लंबी नदी है, किसकी शाखा है महाराज जी, कहाँ से निकलती है नदी? ये नदी टेरकियाने सम से निकलती है, टेरकियाने से, तो और नदी क्या है इसकी? ब्यास में जुड़ जाके समाप्त हो जाती है, ब्यास में का ब्यास में आके ब्यास में किस में मिल जाती है फ्री है? ब्यास में, ये ब्यास में जा पड़ती है, ये ब्यास में मिल जाती है। तो
महाराज जी ने जब यहाँ काम शुरू किया तो अभी करीब आप दोनों तरफ देख रहे हो इतने सुंदर घाट हैं और इतने पेड़ पौधे। पहले यहाँ बियाबान जंगल था, कोई झाड़ पेड़ पौधे नहीं थे। मात्र कितने साल हुए महाराज जी इसको? 13 साल हो गए। मात्र 13 साल में ये पूरी रौनक बदल दी। हमारी गंगा की हालात कितनी गंदी है, जमुना तो पूरी खत्म कर डाली है। इसी तरह से हमारी सारी पवित्र नदियां दूषित हो गई हैं। माने हमारा धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक नदियों का महत्व तो अलग है ही। नदियों को हमने मात्र पानी का स्रोत नहीं माना, जल स्रोत नहीं माना, उनको हमने माँ की तुलना दी है। और माँ कही जाने वाली नदियों के मुख में हमने क्या क्या नहीं डाला है, माने सीवरेज की नालियों से लेकर के फैक्ट्रियों का गंदा पानी। फिर जब कोई इस काम के लिए आगे आता है, हमने गंगा रक्षा मंच के माध्यम से जब गंगा की पवित्रता की मुहिम शुरू की तो उसमें इतना ज़्यादा रागत द्वेष, इतना ज़्यादा जो है उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया, तो हमने बाद में जो है दुखी होकर के उस कार्य से स्वयं को तटस्थ करना पड़ा। लेकिन अब भारत स्वाभिमान का तो ये समग्र भारत में शुद्धिकरण का अभियान, उसमें भी हमें हर कदम पर आज कम से कम 1000 हमें नोटिस आए होंगे, 100 से ज़्यादा बड़े केस। तो मैं महाराज जी से पूछ रहा था, आपने जब ये काम शुरू किया तो दिक्कत नहीं आई? तो महाराज जी आपके ऊपर कितने केस हुए होंगे अभी तक? जो हमारे जो काम करने वाले उनके पास काफी जड़ा है, केस भी हुए तो लड़ाई झगड़े भी हुए, गोलियां चली। बताइए, एक इतना पवित्र काम कर रहे हैं, स्वयं सेवकों के ऊपर गोलियां चलाना, उनके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज करना, और अभी भी चालू ही होगा महाराज जी? जी, हम तो ठीक हो गया, अभी अच्छा हो गया। सरकारों ने कोई सहयोग किया? सरकारों का सहयोग जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, पर इसका विरोध बंद हो गया। एक कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में विरोध होता है, और बाद में जब लोग देख लेते हैं कि भाई अब तो ये पीछे हटने वाले नहीं है तो लोग सरेंडर कर देते हैं। और ये महाराज जी नदी का किनारा बहुत अच्छा है, ये तो आपने ऐसा स्वर्ग जन्नत बना दिया, जहाँ पर किसी का कोई सरकार का ये इसको कहते हैं जो है कार सेवा, इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। और ये कितना किलोमीटर महाराज जी ऐसे? 3 किलोमीटर तक पूरा जो है ये आगे भी कोई जगह से इस तरह जहाँ पर पुल बने हुए हैं ना, बेई तो ऊपर लांगे बने, वहाँ से भी घाट बनाए कि लोग इसे जोड़ सके नीचे आ सके। चलिए महाराज, किसी पक्षी का है? क्या किसका है ये? नाम नहीं पता, पहली बार ये देखा ना, वापस वाला हां तो देखा वो ऊपर एक पंछियों ने घर बना रखा है वहां, देखो उधर छोटे-छोटे घर है, इसमें दो पक्षी एक में रहते हैं, दो पक्षी नए बना रहे हैं ना, ऐसे बनता है घर। ओह बड़ा जोरदार है, मिट्टी का पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी है, कॉलोनी। ऐसा लगा कि कहीं स्वर्ग में, कहीं किसी तीर्थ में आ गए हैं। और
संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि जो लोग कहते हैं ना ये तो संभव नहीं है, असंभव को कैसे संभव किया जाता है, उसका उदाहरण है हमारे संत सिंचेवाल जी। और ये गंदी की जो यहाँ थीसो तो थी, वर्षा के अलावा नदी सूख गई थी। जैसे वृंदावन मथुरा, जिस जमुना जी के कारण से और जमुना जी के साथ में भगवान की कितनी लीलाएं, वो जमुना जी का पानी ही जमुना में नहीं आता है, ऐसे ही काली नदी में पानी नहीं आता था। वर्षा के अलावा गर्मियों में सर्दियों में अब 12 महीना इसमें पानी है और साफ पानी, पवित्र पानी, माने जो सामान्य पानी जो उपलब्ध होता उससे भी ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा साफ सुथरा। अभी मैं महाराज जी से पूछ रहा था क्या इसको पी सकते हैं, तो महाराज जी ने खुद इसमें से ऐसे जल ले करके और जब आचमन किया तो मैंने भी ऐसे पी लिया। ऐसे आचमन आज गंगा जी का नहीं कर सकते, जमुना जी का नहीं कर सकते, दिल्ली में कितनी गंदगी आ गई उसके अंदर, सारा दिल्ली का गंदा पानी गंगा जी में, सारी गंदगी। ऐसे ही नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियों को बेच दिया है, जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया है और गंदगी इतनी ज़्यादा। मैं विदेशों में सुना करता था, कहाँ हो देवेंद्र जी, एक नदी है ना विदेशों में जिसको बहुत कहते हो पवित्र, क्या बहुत गंदी हो गई थी, थेम्स नदी के बारे में सुनता था कि वहाँ उन लोगों ने, उसमें गवर्नमेंट लगी थी, पूरी गवर्नमेंट लगी थी। यहाँ एक संत कार सेवकों से कितना बड़ा काम कर सकता है, अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यता और अपनी पुरानी पहचान, अपने पुरखों की विरासत, उन सबको संजो करके आधुनिकता चाहिए हमको, लेकिन भारतीयता के साथ, अपने अतीत के गौरव के साथ। तो उसके लिए महाराज जी ने जो काम किया है, ये तो महाराज जी आपको तो जो है ना अब वो गंगा जी को, जमुना जी को, सबको लेना है आपको। काली नदी के बाद में गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी, हमारी तमाम जो पवित्र नदियाँ हैं, मुझे तो लगता है वो भारत सरकार को सारे नदियों की पवित्रता का जो सेवा का काम है वो संत सिंचेवाल जी को दे देना चाहिए। अच्छा नदी खुद भी तो शुद्ध कर लेना अपना पानी, पहले तो नदी यही यही है ना, ये अपने आप इसका किया हुआ काम नेचुरल, इसमें गंद भी अभी भी पड़ रही है, पर जो जो काम किया उसकी रिजल्ट आपको टीडीएस मीटर से दिखाएंगे कि कितना काम। संजीव पहले जब नदी खराब सी नाला सी है उस टाइम की टीडीएस सी तो हूं उस टाइम टाइम टीडीएस तो बहुत ज्यादा गंदा सी, काले रंग दे तो फट नहीं सकता। अच्छा इतनी गंदी सिर्फ गंदा पानी आता था, साफ पानी नहीं था, साफ पानी तो काली नहीं। काली ना भी काली सी खत्म हो चुकी है। काली नदी का कारण देख के पंजाब इसमें दुआबे में दो नदी चलती है। अच्छा जी, जो जो होशियारपुर से निकलती है, जे भी होशियारपुर के लहंदे से निकलती है वो बहुत फास्ट चलती है ना, रेता पर, चिट्टी रेता पर, उसको उसको चिट्टी नदी बोलते है। ये नदी बहुत घूम कर आती है, पानी बहुत स्लो चलता है, इसकी जो थले बैठी हुई मिट्टी है उसका रंग काला, इसलिए इसको काला प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको इसको काली भाई उसको चिट्टी नदी। पर जो चिट्टी नदी वो पूरी काली हो चुकी है, टीडीएस चिट्टी भी काली हो चुकी, चिट्टी काली होगी और काली चिट्टी होगी। ए पानी जड़ा हैगा ओथो मोटर जड़ा आप पानी पीने हो कितना है पापा मम्मी देखना बेटा देखना देखना 412 हां अभी कितनी देर लगती है इसमें? बस इतना ही है, स्टे स्टेबल हो गया। 161 उसका 412 माने जो जनरल जो पानी है टैप वाटर वही है ना, ये पीने वाला वही है जी, पीने वाला समरसेबल से, तो ये भी पी लेते हैं। वो 412 और ये 100 माय गॉड। हाँ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਸਹਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਜੋ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜ੍ਯ ਸ਼੍ਰਦੇ ਸੰਤ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਿਆ ਕੀਆ ਹੈ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਦੀ। ਚਿੱਟੀ ਨਦੀ ਵੋ ਜਿਸਕੇ ਨੀਚੇ ਰੇਤ ਸਫੇਦ ਥਾ ਔਰ ਵੋ ਬੜੀ ਦੇਖਣੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਗਾ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਉਸਕੋ ਚਿੱਟੀ ਨਦੀ ਕਹਤੇ ਥੇ। ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸਕਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਪਰ ਵੀ ਦਿਖਤਾ ਥਾ, ਇਸਲੀਏ ਕਾਲੀ ਕਹਤੇ ਥੇ ਇਸਕੋ। ਆਜ ਵੋ ਚਿੱਟੀ ਨਦੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਨਦੀ ਮੇਂ ਬਰਸਾਤ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਤਾ ਥਾ ਔਰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਥੀ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਦੀ ਕੋ ਉਸੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸੀ ਗੌਰਵ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਾ ਅਵਤਰਣ ਕੀਆ, ਇਹ ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੇਂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਤੋ ਭਗੀਰਥ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੋ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਨਦੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਕੜੋ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਾਰਯਕਰਤਾਓ ਨੇ, ਸਵਯਮ ਸੇਵਕੋ ਨੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਕਾ ਇਹ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਘਾਟ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰੋਂ ਪਰ ਲਾਖੋਂ, ਕਿਤਨੇ ਲਾਖ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਲਾਖੋਂ ਪੇੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਦੀ ਕਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੜੇ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੜੇ, ਇਸਕੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਆ, ਮੁਕਦਮੇ ਹੋਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ। ਮੈਨੇ ਪੁੱਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਨਦੀ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੋ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਤੋ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਾ? ਤੋ ਬੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਤੋ ਵੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੁਆ। ਬੀਚ ਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੋ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾਓ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਪੁੱਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਕਾ ਤੋ ਕਾਮ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਆ, ਅਭੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸਮੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਾ, ਜਮੁਨਾ ਜੀ ਕਾ, ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਆਦਿ, ਐਸੇ ਨਰਮਦਾ ਆਦਿ, ਐਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਓ ਕਾ ਕਾਮ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੋ ਹੱਥ ਮੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਲਾਖੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਯਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇ ਤੋ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਕਾਮ ਕੋ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਸਕਸ਼ਮ ਹੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿਸ਼ਯ ਮੇਂ ਐਸਾ ਵੋ ਅਵਸਰ ਵੀ ਆਏ ਜਬ ਹਮ ਪੂਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋ ਇਸ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਓ ਕੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੋ, ਉਨਕੀ ਅਵਿਰਲਤਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੋ ਅਕਸ਼ੁੰਨ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੇਂ ਹੋਗੇ। ਆਪਕੇ ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਤਾ ਔਰ ਯੇ ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਯੇ ਬੈਠੇ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਨਦੀ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸਕੋ ਉਸਕਾ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਤੋਰੀ ਚੱਲ, ਤੋਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹਾਥ ਹੋ ਸੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੁਰੇ ਚੱਲ, ਤੁਰੇ ਚੱਲ, ਤੁਰੇ ਚੱਲ ਜੀ ਜੀ ਸਭੀ ਮੈਂ ਚੱਲ 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 ਉਹ ਦੱਬੀ ਚੱਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮ, ਹਾਂ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਪਸੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।